अकबर पछाड़ के विधायक रह चुके गंगूराम मुसाफिर ने कांग्रेस से बगावत करवा था और निर्दलीय उम्मीदवार भरा नामांकन। नॉमिनेशन के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री ने भारी संख्या में समर्थकों के साथ किया शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन में मुसाफिर बोले, कांग्रेस से बैर नहीं, भाजपा से बैर नहीं, शुक्ला तेरी खैर नहीं। मुसाफिर बोले, पछाड़ पर राजगढ़ के कार्यकर्ताओं ने सर्वे के आधार पर दयाल प्यारी की जगह की थी, किसी और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का टिकट देने की मांग। मुसाफिर तथा उनके समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन के दौरान 1982 का इतिहास दोहराने का दावा किया। लगातार 3 बार हार के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा काटा गया था पूर्व मंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष का टिकट। सिरमौर जिला के पछाड़ विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक रह चुके कद्दावर कांग्रेस नेता गंगूराम मुसाफिर ने आज पार्टी से बगावत कर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान गंगूराम मुसाफिर के समर्थकों ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी किया और इस दौरान दयाल प्यारी को टिकट देने के लिए पार्टी के आला नेतृत्व व प्रभारी की कड़ी निंदा की गई। अपने संबोधन में मुसाफिर ने नारा लगाते हुए कहा कि अब कांग्रेस से बैर नहीं, भाजपा से बैर नहीं, मगर शुक्ला तेरी खैर नहीं। गंगूराम मुसाफिर ने कहा कि उन्होंने व क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सर्वे के आधार पर दयाल प्यारी के स्थान पर किसी और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देने का भी आग्रह किया था, मगर पार्टी प्रभारी व हाईकमान के अनुसार वह पहले ही भाजपा से कांग्रेस में आई इस नेत्री को कैंडिडेट बनाए जाने संबंधी कमिटमेंट कर चुके थे। 1982 में पहली बार बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पछाड़ के विधायक रहे गंगूराम मुसाफिर ने कहा कि आजाद उम्मीदवार के रूप में जीतने के बाद क्या करना है, ये वह अच्छी तरह जानते हैं। गौरतलब है कि 7 बार पछाड़ के विधायक रह चुके गंगूराम मुसाफिर कैबिनेट मंत्री रहने के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनकी गिनती हिमाचल के आला कांग्रेस नेताओं में हुआ करती थी। इस बार मुसाफिर को पछाड़ से कैंडिडेट न बनाए जाने का मुख्य कारण 3 बार लगातार उनकी हार व ज्यादा उम्र बताया जा रहा है। हालांकि मुसाफिर समर्थक इस तार्क को गलत बता रहे हैं। मुसाफिर के नामांकन व उनके शक्ति प्रदर्शन में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने से यहां कांग्रेस की स्थिति कमजोर समझी जा रही है और सूत्रों के अनुसार जल्द पार्टी उनके व उनके समर्थकों के खिलाफ कड़ा एक्शन भी ले सकती है। गौरतलब है कि कांग्रेस द्वारा यहां विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही बगावत को देखते हुए मंडल इकाई भंग की जा चुकी है और अब फिलहाल पार्टी दो फाड़ नजर आ रही है। जैसा कि सब जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार है, आज एक मिनट भी कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपने जो हिम्मत दिखाई है, जो जज्बा दिखाया है, वो रंग लाएगा, रंग लाएगा और रंग लाएगा। जियार मुसाफिर, जियार मुसाफिर। ये बता दिया कि ये कदम हमको क्यों उठाना पड़ा। अंत में मैं भी 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपको मालूम है कि जो यहां का मंडल था, यहां की जो जनता थी, उन्होंने 3-4 बार जो है अपने प्रस्ताव पारित करके हाईकमांड को भेजे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके अलावा भी हाईकमांड से मिलने का लोगों ने यहां से बहुत मेहनत करके वहां पहुंचे, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पहले ही कुछ डिसाइड कर दिया हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं ने बताया कि यदि आपने मुसाफिर को टिकट नहीं देना है तो हमारे पास बड़े सीनियर कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, पुरुष भी हैं, नाम तक भी वहां उनको बताए गए, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। और आखिर में जो निर्णय हुआ उससे पछाड़ की जनता में बहुत रोष फैला और सबके मुझको फोन आने लगे कि भाई मैंने बहुत चुनाव लड़ लिए हैं, आपके आशीर्वाद से बहुत ऊंचाइयों में पहुंचा हूं और उन ऊंचाइयों के बदले राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से पछाड़ का थोक विकास हुआ है और मैं चाहता हूं कि मेरे बदले अब किसी और को मौका दो। लेकिन भाई वो बिल्कुल नहीं माने, बिल्कुल नहीं माने। आपने देखा होगा 2-3 बैठकें हुई, हम मानने को तैयार नहीं और मजबूर होकर के जो है ये स्टेप मुझे उठाना पड़ा। आज नॉमिनेशन भरा और आप लोग हजारों की संख्या में यहाँ धारटू खाड़ी से लेकर और नीचे प्रीतनगर तक, महल प्रीतनगर तक लोग यहाँ पहुंचे। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब 1982 में भी मैंने, जैसे आप जानते हैं, आजाद उम्मीदवार के ही रूप में चुनाव लड़ा था, तो मेरे को तजर्बा है आजाद लड़ने का भी, ऐसा नजर नहीं हुआ। मैं जानता हूँ
ये आजाद जीतने के बाद जो है क्या करना है आप बताइए, क्या उसके बाद आपको घाटा हुआ? नहीं हुआ ना, तो आगे भी कोई कमी नहीं होगी, कोई घाटा नहीं होगा।